एक बॉम्ब दो मिनट लाइन लाइट खत्म हो जाए उसके बाद में आएंगे। अभी अभी बजेगी अरे आपका वोट ये किया खत्म हो जाएगा ये हमको डाउट था क्योंकि पार्टीशन में की जाती नहीं कि वास्तव में ये चीज रहेगी कहाँ, वही तो वही अंदर रहेगी जब आपत्ति होगी। मुझे कोई शौक भी नहीं करने का मित्रों, पाकिस्तान कहता है कि हम परमाणु विस्फोट कर देंगे, मैं चार पंक्तियां तब पढ़ता हूं कि नहीं झिझकते हैं हम तेरी इन आतंकी चोटों से और ना ही डरते हैं हम तेरे परमाणु विस्फोटों से। अरे याकूब की फांसी पर जो पूरे देश में बवाल करे, शर्मिंदा है हम इसे बिन पेंदे के लोटों से, शर्मिंदा है हम इसे बिन पेंदे के लोटों से। मित्रों पीड़ाओं की हदें यहाँ तक सीमित नहीं है, पीड़ाओं की हदें तब पार हो जाया करती है जब इस देश में भी वंदे मातरम पर प्रतिरोध के स्वर उठ जाते हैं। उस वंदे मातरम पर जिसको गाते गाते इस देश के वीर सपूत अपने प्राणों की आहुति दे गए, उस वंदे मातरम पर जब इस देश में प्रतिरोध के स्वर उठते हैं तब मिथुन मिथुनेश इस मंच से ललकारते हैं देशद्रोही गद्दारों को कि वतन के खिलाफ गद्दारी हमको ये स्वीकार नहीं, भारत माँ के बेटे हैं हम, कोई डरपोक सियार नहीं। और वंदे मातरम गाने से जो करते हैं नफरत यार, उन गद्दारों को जीने का मेरे देश में अधिकार नहीं, उन गद्दारों को जीने का मेरे देश में अधिकार नहीं। अगर वंदे मातरम को अपने शब्दों में मैंने सही परिभाषित कर दिया हो तो आपका आशीर्वाद चाहूंगा। मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के विकास खंड डिग्री के तहसीलदार हुकुमचंद निगवाल जी को सातवां वेतन मान पुनरीक्षण नियम 2016 के अंतर्गत पेंशनरों को पेंशन का पुनरीक्षण किया जाए, ये ज्ञापन सौंपा गया जिसमें उपस्थित सभी विभाग के कर्मचारी रिटायरमेंट उपस्थित थे। ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश एवं तहसीलदार महोदय टिगरी जिला बड़वानी को सौंपा गया। सातवां वेतन मान पुनरीक्षण नियम 2016 के अंतर्गत पेंशनरों को पेंशन का पुनरीक्षण किया जाए। आपको स्मरण दिलाना आवश्यक है कि 15 मई 2018 को पेंशनर्स के समक्ष मुख्यमंत्री निवास में यह घोषणा की गई थी कि पेंशनर्स को पुनरीक्षित पेंशन का भुगतान 2018 से किया जाएगा तथा 2016 से 2018 तक के एरियर्स का भुगतान किस्तों में होगा तथा इसका निर्धारण वित्त विभाग द्वारा किया जाएगा। महोदय सभी निवेदन है कि शासन द्वारा 2018 से 257 की दर से पेंशन में वृद्धि के आदेश प्रदान किए गए थे तथा अधिकांश पेंशनरों को इसका भुगतान हो चुका है। सभी पेंशनर श्रीमान के इन पुनरीक्षण आदेश के प्रति आभारी है। अनुरोध है कि वित्त विभाग का आदेश 2018 पुनरीक्षित किया जाए तथा सातवां वेतन मान 2016 से लागू किया जाना संबंधित आदेश किए जाए। तद अनुसार घोषणा के अनुरूप 2016 से 2018 के 27 माह के एरियर्स का भुगतान किस्तों में कराने का आदेश प्रदान करने का कष्ट करें। पेंशनर श्रीमान को इस उदारता के प्रति सदैव आभारी रहेंगे तथा पेंशनर्स आतुरता से 2016 से सातवां वेतन मान एवं एरियर्स दिए जाने संबंधित आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमने सातवां वेतन मान के लिए पेंशन स्टेशन तरफ से विज्ञापन सौंपा गया है। सातवें वेतन मान में हमें मुख्यमंत्री महोदय ने 15 मई को एक सभा बुलाई थी, सभी पेंशनर्स को बुलाया था। उसमें ये कहा था कि हम 1 जनवरी 2016 से सबको सातवें वेतन मान के अनुसार पेंशन का लाभ देंगे, परंतु जब ऑर्डर 11 जून को निकला उसमें उन्होंने 1 अप्रैल 2018 से दिया और बाकी के 27 महीने के बारे में उसमें कोई उल्लेख नहीं किया। हमने इस बीच भी बहुत ही अनुनय भी नहीं किया, पोस्ट कार्ड भी भेजे, ज्ञापन भी दिए, परंतु कोई हल नहीं निकला। आज हमें मजबूर होकर के फिर से ज्ञापन देना पड़ रहा है और कि हमें
जल्द से जल्द 27 महीने का एजेंट किया जाए। मध्य प्रदेश शासन जो अपने कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों को पेंशन नियमित कर्मचारी महंगाई भत्ता और सारे लाभ दे रहे हैं। हम बड़े भाई हैं, पेंशन अनुभव हमने किया, हमने हमारे पूरे जीवन खपाया शासन की सेवा में, हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? क्या छोटे भाई जैसे नियमित कर्मचारी चूल्हा जलता है उनको भोजन लगता है, उनको कपड़े लगते, पेंशनर वाले के बच्चों को कपड़े लगते नहीं लगते? क्या उनके भोजन नहीं पकना चाहिए? क्या उनका इलाज नहीं होना चाहिए? शासन पेंशनर को भी सारे अधिकार दे, 27 माह का एरियर दे और हमें खुशहाल रखे, यही हमारे मन में मनोकामना है शासन। 15 मई जो अभी 18 को मुख्यमंत्री ने अपने पेंशनर की महापंचायत में बुलाई थी, उसमें उन्होंने ये घोषणा की थी कि पेंशनर्स को 1 जनवरी 2016 से सातवें वेतनमान के अनुसार पेंशन का लाभ दिया जाए और वर्तमान में अप्रैल 18 से नगद दे करके जो 27 महीने की राशि है वो 3 या कुछ भी किस्तों में दे दी जाएगी। परंतु वादा खिलाफी करके उन्होंने अभी तक किसी प्रकार का आदेश नहीं निकाला। 11 से 18 को जो ऑर्डर निकला उसमें हम बड़े आस लगाए बैठे थे कि शायद इस ऑर्डर में हमारा पूरे 27 महीने का एरिया भी मिल जाए, परंतु आखिर उन्होंने नहीं किया। मजबूर होकर के हमें फिर से यहाँ एकत्रित होना पड़ा। इस बीच भी 2 बार हम गौर ज्ञापन दे चुके हैं, हमने पोस्ट कार्ड से भी मुख्यमंत्री का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था, फिर भी उनके कोई असर नहीं हुआ। इसलिए मजबूर होकर के अब हमें फिर से ये करना पड़ा। तो हो सकता है अगले सप्ताह या अक्टूबर के पहले सप्ताह या दूसरे सप्ताह में आचार संहिता लग जाए, इसके बाद हमें कुछ नहीं मिलने वाला। इलेक्शन एक बार निकल गया तो फिर हम लोग वही अगले इलेक्शन का इंतजार करते रहेंगे और अगले इलेक्शन तक हम लोगों से में से कितने बचेंगे ये इसकी कोई संभावना नहीं है। इसलिए हमको फिर से मजबूर होकर के ज्ञापन देना पड़ रहा है, हमने विनय करना पड़ रही है। तो ज्ञापन जो हम लोगों ने तैयार किया है वो मैं आप लोगों के सामने पढ़ता हूँ और माननीय तहसीलदार महोदय से निवेदन करता हूँ हमारे ज्ञापन को योग्य माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुँचाएँ।